खाता बुक ऐप की ऐसी क्या खासियत है? अरे भाई, खाता बुक ऐप में बैकअप का सुविधा भी है। आप फोन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा, समझे? तो ये है हमारे परफेक्ट हिसाब किताब का राज, खाता बुक ऐप। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। नमस्ते, मैं हूँ सूरज। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। अभी टीम के साथ न्यूजीलैंड टूर पर हैं। वहाँ चल रही 5 मैचों के T20 इंटरनेशनल सीरीज को भारत 3-0 से अपने नाम कर चुका था। अब टीम ने 4th T20 भी जीत लिया है। इस टूर के दौरान कोहली ने एक बयान दिया था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। कोहली ने टीम इंडिया के लगातार मैच खेलने को लेकर असंतोष जताया था। अब BCCI की कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी COA की पूर्व सदस्य और टेस्ट क्रिकेटर रही डायना एडुलजी ने इस पर कमेंट किया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एडुलजी ने कोहली को कड़ी फटकार लगाई है। पिछले अक्टूबर तक COA में रही एडुलजी ने साफ किया कि 2 साल पहले इस टूर को अप्रूव करने वालों में कप्तान कोहली शामिल थे। एडुलजी ने कहा कि 2023 तक का फ्यूचर टूर प्रोग्राम FTP या ICC और सदस्य बोर्ड मिलकर तय करते हैं, यह कोहली द्वारा अप्रूव किया गया था। एडुलजी के मुताबिक कोहली, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और हेड कोच रवि शास्त्री ने 30 नवंबर 2017 को दिल्ली के एक होटल में इसे अप्रूव किया था। एडुलजी ने कहा, विराट द्वारा इसकी शिकायत करना अजीब है। मुझे लगता है कि वह बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं और भूल गए हैं कि उन्होंने इस शेड्यूल को ओके किया था। हमने इसे प्लेयर्स पर थोपा नहीं है। उन्हें पता था कि वह सीरीज शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले ही न्यूजीलैंड में लैंड करेंगे। यह लिखित में था। जब प्लेयर्स ने सहमति दी तभी इसे अप्रूवल मिला। आपको बता दें कि जब यह FTP अप्रूव हुआ था तब एडुलजी COA का हिस्सा थी। इस कमेटी को पूर्व कैग यानी CAG विनोद राय हेड कर रहे थे। इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था। जब FTP पर चर्चा हुई थी तब धोनी लिमिटेड ओवर्स में भारत की कप्तानी कर रहे थे जबकि कोहली टीम के टेस्ट कैप्टन थे। इस कमेटी को अक्टूबर 2019 में BCCI के चुनाव होने के बाद खत्म कर दिया गया। उसके बाद से BCCI के नए चुने गए सदस्यों ने अपना पदभार ग्रहण किया जिसमें अब BCCI के प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली। कोहली के बयान की बात करें तो उन्होंने इस सीरीज का पहला T20 मैच शुरू होने से पहले 24 जनवरी को शेड्यूल पर बात की थी। कोहली ने एक सवाल के जवाब में कहा था, यह एयरपोर्ट से सीधे स्टेडियम में लैंड करने के काफ़ी करीब आता जा रहा है। दरअसल इंडियन क्रिकेट टीम 21 जनवरी को न्यूजीलैंड पहुंची थी। इससे 2 दिन पहले ही टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में तीसरा वनडे खेला था। कोहली ने आगे कहा था कि उम्मीद है कि आगे से इसका यानी शेड्यूल का ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड का टूर भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इस टूर पर भारत को 10 दिनों में 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। इसके बाद टीम 7 दिन में 3 वनडे मैच खेलेगी। कोहली के बयान के बाद पूर्व IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला ने COA पर इसकी जिम्मेदारी डाली थी और अब डायना एडुलजी ने इस मसले पर सफाई दी और साफ कर दिया है कि यह सारा प्रोग्राम विराट कोहली की अनुमति के बाद ही तय किया गया था। अगर आपने यह वीडियो फेसबुक पर देखा तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आपने इसे यूट्यूब पर देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और रहिए खबरों से सबसे पहले अपडेट। नमस्ते, मैं सूरज। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं विभव। शुक्रिया।